बीजेपी 24 पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 46 पर आ गई है, उनकी संख्या गिर रही है ईवीएम के डेटा आने के बाद है। जी कांग्रेस स्थिर प्रज्ञ है और कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो लगातार कंसिस्टेंसी दिखा रही है, वो पहले भी जीरो ही थी अभी भी जीरो है, कांग्रेस की नीति में कोई फर्क नहीं आया। और अब तक की मतगणना में बीजेपी को 46% के आसपास वोट मिले हैं, ये बड़ी खबर है। अब तक की मतगणना में बीजेपी को 46.5% अमन, ये दिस इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अभी आप देखें तो अब वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नेक टू नेक मतलब कड़ा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी 47.7% वोट शेयर और इस समय बीजेपी 46.5% वोट शेयर, जरा पीछे है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी अगर ये सही है और ये रहता है कुछ घंटे तक तो सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था और रिजल्ट आया था, बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा था और कांग्रेस की सीट्स 4-5 का फर्क था। दूसरी जो बात, इतना वोट बीजेपी को कभी किसी लोकल इलेक्शन में नहीं मिला है। राष्ट्रीय चुनाव में 50%, 52%, 56% मिला होगा, परंतु लोकल किसी भी चुनाव में कॉर्पोरेशन तो में इसको तो हम ये कहेंगे कि इस समय ये बहुत बड़ा चमत्कार है, शायद किसी ने सोचा नहीं था। इसे एक आप एक राजनीतिक चमत्कार मान सकते हैं कि जो लोग सोच रहे थे, जिसको कहते हैं ना कि वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, होपिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो वाली बात बीजेपी के साथ इस समय हो रही है। और शायद ये वही वोट है जो कि 3 बजे के बाद पड़ा था और ये जो वोटर था इसने एग्जिट पोल वालों को भी एक तरीके से धोखे में चकमा दे दिया उनको। दिलीप के पास एक बात चलते हैं, इसमें आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बड़ा सवाल आएगा, इज इट कैश एंड कैरी एग्जिट पोल और इज इट जेन्युइन एग्जिट पोल, भी काफी एक्सपोज हो जाएंगे। और तड़ित जो हमारे साथ बैठे हैं ये तो खुद एग्जिट पोल करते हैं, ये आपको बताएंगे। देखिए पिछली बार सुधीर जी 32% के आसपास थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी 22% का फासला था। अगर ये बहुत नजदीक जा रहे हैं 1-1.5% की मार्जिन, ये आगे अगर मैं मान के चलूं कि बीजेपी 43-44 पे भी रुक जाती है, आम आदमी पार्टी से 4% आगे हुई होती है, तो भी सीटों का फासला जो बहुत नजदीक का हो जाएगा, ये इस वोट शेयर पे आप बीजेपी को 40 के आसपास सीटों पर लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं जश्न की, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। देखिए ये ऊपर की तरफ एक मंच बनाया गया है, आपको याद होगा 2015 में जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो पटेल नगर में इसी तरह से बालकनी से अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया था लोगों को, और आज भी इसी तरह का कुछ इंतजाम यहां पर किया गया है। पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के ऑफिस को गुब्बारों सजाया गया है, मिठाइयां मंगाई गई हैं, मंच बनाया गया है, तैयारी यहां पर पूरी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कमबैक कर रही है, कहना यह होगा कि हो सकता है कि ये तैयारियां ऐसी की ऐसी कहीं धरी ना रह जाए, क्योंकि बीजेपी भी लगातार फाइट में बनी हुई है। और अगर ऐसा होता है, आप देखिए कि अभी तक तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान आया है लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक नहीं बोले हैं। घर के बाहर हम लोग उनके थे, घर से वो निकले अपनी फैमिली के साथ, आम आदमी पार्टी ऑफिस आए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने बात नहीं की है। पता ये चल रहा है कि लगातार जो नतीजे और रुझान जो आ रहे हैं उन पर नजर बना करके रखे हुए हैं कि क्या रुझान आ रहे हैं और किस तरह से प्रतिक्रिया इसके बाद उनको देनी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी यहां पर नहीं आती है बीजेपी में तो देखिए आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।